हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं टॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को सो फर्स्ट टॉपिक हम इसमें करते हैं डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ मेट्रो वेव्स तो देखिए 1924 के अंदर डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया था कि जिस तरीके से लाइट जो है उसके पास पार्टिकल और वेव नेचर होता है उसी तरीके से जो हमारे माइक्रोस्कोपिक मटीरियल पार्टिकल्स होते हैं बच्चों उनके पास भी क्या होता है ड्यूल करेक्टर होता है जब वो मोशन में होते हैं तो उनके पास क्या होता है ड्यूल करेक्टर होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से लाइक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं एटम्स हैं आयस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास जब भी मोशन में होते हैं तो ड्यूल करेक्टर होता है मतलब ये एग्जिबिट करते हैं पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को मोशन के अंदर ठीक है सो इन 1924, 1924, फोर नाइनटीन ट्वेंटी फोर डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट एज Light exhibits just as light exhibits, just as light exhibits both particle and wave, particle and wave properties, and wave properties the microscopic the microscopic material particles particles in motion such as electrons protons atoms Ions, molecules, etc., also have dual character, also have dual properties.

माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पॉजेज बूथ माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन मोशन ठीक है जो मोशन में होते हैं ये यहां पर भी द माइक्रोस्कोपिक मटीरियल पार्टिकल्स इन मोशन ठीक है मोशन में लिख दिया हमने इन मोशन पॉजेज both particle as well as wave characteristics, wave characteristics. तो जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं मोशन में उनके पास क्या होती हैं? पार्टिकल और वेव दोनों तरह के क्या होते हैं उनके पास करेक्टर होते हैं ऑल राइट अकॉर्डिंग टू D Broglie D Broglie, the wavelength associated with a particle with the particle of mass M moving with velocity, ंग विद वेलॉसिटी वी तो देखिए डीप्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों जो हमारी वेव लेंथ है वो किसकी इक्वल होगी यहां पर पार्टिकल है हमारे मास एम मूव करे वेलॉसिटी वी के साथ में तो यहां पर जो हमारी वेव लेंथ आती है वो आती है एच बाई एम वी की इक्वल ठीक है सो द वेव लेंथ एसोसिएटेड विदार्टिकल ऑफ मास मूविंग विदॉसिटी वी इज गिवन बाई द रिलेशन इज गिवन By the relation that is कौन सा होता है वो लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन ये क्या है हमारी वेवलेंथ लाइन लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन बी एम वी या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी बिकॉज पी क्या होता है बच्चों हमारा इक्वल होता है एम वी की ओके सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं सिंपली P को लैमडा इज इक्वल टू एच मी पी अब यहां पे देखिएगा जो एच है वो क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट पी जो है वो है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल और द

वेव्स तो देखिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले जो हमारी वेवलेंथ है जो एसोसिएट करती है पार्टिकल मास एम है उसका और मूव करे वेलोसिटी वी के साथ में तो क्या हो जाएगी एच अपॉन में एम वी या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच अपॉन में पी बिकॉज पी किसके इक्वल होता है एम वी के बराबर होता है ठीक है एच यहाँ पे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है पी यहाँ पे हमारा मोमेंटम है पार्टिकल का और जो वेव एसोसिएट करती है बच्चों जो पार्टिकल्स के साथ में उसे हम क्या बोलते हैं मैटर वेव्स बोलते हैं ओके सो नेक्स्ट हम ड्राइव करते हैं डी ब्रॉगलेज इक्वेशन को Derivation of De Broglie's equation. ड्राइव करेंगे यहां पे हम बच्चों डी ब्रॉगली इक्वेशन को कुछ नहीं करेंगे यहां पे हम सिंपली यूज करेंगे आइंस्टीन जो हमारी मास एनर्जी रिलेशनशिप है उसको और साथ में जो हमारी फोटोन की एनर्जी है उसको दोनों को इक्वेट कर देंगे और यहां से आ जाएगी हमारी डी ब्रॉगली इक्वेशन ऑलराइट राइट सो द डी ब्रॉगली इक्वेशन दी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर The wave particle for the wave particle duality of electron, wave particle duality of electron can be easily derived by using Einstein's. आइंसटेन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है हमारा आइंस्टेन्स मास एनर्जी रिलेशन वो होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है अब इसको हम इक्वेट कर देंगे इक्वेटिंग दिस इक्वेटिंग दिस विथ एनर्जी ऑफ अ फोटोन विथ दी एनर्जी ऑफ अ फोटोन वी हैव सो इक्वेट कर देंगे इसको किसके साथ में एनर्जी जो हमारी फोटोन की होती है उसके साथ में क्या होती है एनर्जी फोटोन की इज इक्वल टू एच न्यू दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वाट कर दिया हमने और न्यू क्या होता है सी अपॉन लैमडा तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं न्यू की जगह पे सी अपॉन लैमडा और राइट सो एच सी अपॉन लैमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेर सी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से क्या आ गई h अपॉन लैमडा इज इक्वल टू एम सी इस तरीके से हो जाएगा बच्चों और अगर मुझे यहाँ से लैमडा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी लैमडा इज इक्वल टू और ये एम सी यहाँ पे नीचे आ जाएगा सो एच अपॉन मी एम सी सो बाय रिप्लेसिंग द रिप्लेसिंग सी बाय दी ऑफ दर्टिकल ऑफ दार्टिकल देन वी हैव क्या हो जाएगा यहाँ से लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और यही क्या होती है बच्चों हमारी डी ब्रॉगल इक्वेशन सो दिस इक्वेशन इज नॉन एज डी ब्रॉगलिज इक्वेशन दिस इक्वेशन इज ज नॉन एज डी ब्रॉगलीज इक्वेशन डी ब्रॉगलीज इक्वेशन तो देखिए यहां से हमने ड्राइव कर लिया है डी ब्रॉगली इक्वेशन को किस तरीके से यहां पर हमने यूज किया आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप को इसके साथ में हमने इक्वेट कर दिया किसकी एनर्जी को फोटोन की सो इक्वेटिंग दिस एनर्जी जी फोटोन तो क्या जाएगा एच नी स्क् और न्यू क्या होता है अपॉन तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया एच सी अपॉन लैमडा एक सी 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 कैंसिल हो होगी तो यहाँ पेम्डाज एम सी अगर मुझे यहाँ से लैमडा की वैल्यू निकालने तो क्या हो जाएगा इस साइड एम सी आ जाएगा इस साइड इज इक्वल टू एच अपन एमसी लैम्डाजन मी एम और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन ओके सो नेक्स्ट हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज इक्वेशन सो देखिए यहां पर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जिसपे चार्ज क्या है हमारा ई है और एक्सलरेट हुआ पोटेंशियल वी के साथ में तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी वी ई सो लेट Let an electron of charge E be accelerated, accelerated, accelerated by a potential V, then its kinetic energy, then its kinetic energy. Would be, क्या हो जाएगी वी ई ओके और जो हमारा इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है वेलोसिटी वी, तो वी के साथ में तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है जब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है मूव करता है वेलोसिटी वी के साथ में तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर की ओके सो दी काइनेटिक एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी of the electron moving with velocity V moving with velocity V is also written is also written as kinetic energy is equal to हाफ एम वी ओके तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल लिखेंगे हम यहाँ पे हाफ एम वी की और यहां पे जो हमारी वी है ये क्या है वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की ओके वेयर वी इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास हाफ एम वी है और वी ई सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ई वी क्या है यहाँ पे हमारी पोटेंशियल है और ये क्या है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ से अगर हमें वैल्यू निकालनी हो वी की तो हम क्या करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ई तो ये वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी ये टू उस साइड ले जाएंगे हम तो यहाँ पे क्या आ गया टू वी ई एम वी स्क्वायर और यहाँ से वी की ये एम क्या हो जाएगा अब नीचे आ जाएगा तो यहां पे क्या आ गया m नीचे आ गया और ये स्क्वायर है इस साइड आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा बच्चों तो यहां से जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडरूट टू वी बाई एम ये वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास v की जो वैल्यू आई है वेलोसिटी के अब इसको हम पुट कर देंगे किसके अंदर डी ब्रॉगल इक्वेशन के अंदर सो इनजर्टिंग दी इंजर्टिंग वैल्यू ऑफ वी इन डी ब्रोगलीज इक्वेशन डी ब्रोगलीज इक्वेशन देन वी गेट तो अब देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है बच्चों? लामदा इज इक्वल टू एच अपॉन मी, एम वी होता है एच अपॉन एम वी और वी की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर टू वी ई बाई एम तो यहां पे पुट कीजिएगा एच अपॉन मी, क्या है एम और साथ में क्या है वी सो अनूट टू ई और यहाँ पे आ जाएगा इंटू में अनरूट एम इस तरीके से हो जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पे देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ एक एम है और यहाँ पे अनरूट है तो यहाँ पे क्या बच गया अनरूट एम बच गया यहाँ पे ठीक है और एच अपॉन में अनरूट एम और अनरूट टू ई वी है तो हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से एच अपॉन सारा अनरूट हो गया ये टू वी ई एम इस तरीके से हो जाएगा टू वीई एम e या फिर टू एम वीई इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं टू एम वीई इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे ई e की वैल्यू जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होता है वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन के पावर माइनस नाइनटीन कोलाम अब इसकी वैल्यूज को हम रख देंगे तो देखिएगा ई e की जो वैल्यू है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस नाइनटीन कोलाम जीरो वन पॉइंट सिक्स की पावर मास M क्या होता है 9.109 पॉइंट वन की पावर किलोग्राम और यहां से h प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू 6.626 पॉइंट सिक्स की पावर जूल सेकेंड ठीक है ये हमारी वैल्यूज अब पुट कर देंगे यहाँ सो सोलडा इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6. अब देखिए अब इन तीनों की वैल्यूज पुट करने पे हमारे पास क्या आती है 12.26 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ठीक है यहाँ पे जब हम पुट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा अनरूट v और लैम्डा वेवलेंथ किसमें है मीटर्स में सो so, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया ओके okay? तो याद रखेंगे इसको भी और यहां पे v क्या है बच्चों पोटेंशियल इन वोल्ट्स पोटेंशियल इन वोल्ट्स ठीक है समझ में आ गया नहीं समझ में आया दोबारा से समझते हैं ठीक है देखिए यहां से आप स्टार्ट कीजिएगा हमने क्या बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी के. और जब इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज क्या है हमारा ई e है और वो एक्सेलरेट हुआ है किसके साथ में वी जो है उसका क्या है पोटेंशियल है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी वी ई की इक्वल हो जाएगी तो यहाँ से अब हमने क्या किया दोनों को इक्वेट कर दिया तो यहां से हमने निकाली वी वेलोसिटी की वैल्यू तो क्या आ गई √2ve/mm एम एम मास है e के हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे v क्या ये हमारे पोटेंशियल है और ये v क्या है बच्चों वेलोसिटी है ऑलराइट अब यहां से हमने क्या किया वेलोसिटी की वैल्यू को निकाल लिया ठीक है

ई e. तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करते हैं एच की एम की और किसकी ई e की तो यहाँ पे हमारे पास आता है इज इक्वल टू की पावर माइनस टेन ठीक है ये वैल्यू बच्चों हमारे पास आती है ट्वेल्व पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस टेन बाई मी अनूट वी और मीटर्स में आ जाएगा बिकॉज वेवलेंथ क्या होती है हमारी मीटर्स में होती है और वी क्या है यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है वर्ट्स के अंदर वेलोसिटी नहीं समझना है इसको क्या है ये पोटेंशियल इन वॉल्सो के स्टूडेंट्स आज के उस वीडियो में इतना ही चलते हैं कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग